حسين بسم الله تنور तमूर पे सामने लगे ठीक है तो शमशेर भाई ठीक है, खैरियत से है ना? आप ठीक हैं? जी सर खैर बाकी थोड़ी आवाज माशाल्लाह बहुत अच्छी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो मेहदी साहब को बड़ी मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने अल्लाह के मदद से एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है, तो अल्लाह ताला आपको कामयाबी अंगीकार किया। अल्लाह ताला इसमें आपको मजीद दुआओं के साथ आगे भी लेके जाए, और आपको नुमाइंदगी का हक आपने लिया है, अल्लाह ताला आपको उसमें भी कामयाब। बाकी इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ये कैंट का जो सारा इलाका है इसके लिए ये एक बड़ी अहम जीत हुई है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी आदत आती रही है कि इलेक्शन गुजार ले उसके बाद फिर इलाके को नहीं पूछती। तो अब इनके पास एक मौका है कि खान साहब के विजन को आगे लेके चले। इंशाल्लाह हम भी इनके साथ खड़े हुए हैं और इनकी शाना बशाना खड़े हुए हैं, और इंशाल्लाह जैसे इलेक्शन में इनके साथ खड़े रहे इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद भी, ताकि इलाके की खिदमत हो सके और इस इलाके को अपलिफ्ट किया जा सके, इसके काम किए जा सके, उसमें आपके साथ।
और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि ये जो इलेक्शन हुआ है अटक में, ये आज मैंने इस्लामाबाद में भी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये इस चीज़ की अक्कासी करते हैं कि ये आपने देखा कि 3 दिन के अंदर 3 रिजल्ट आए हैं वहाँ पर। एक रिजल्ट वो था जो रात को हमारे पास था, जिसके अंदर मेहदी साहब जीते हुए थे। उसके बाद एक रिजल्ट वो आया जो 2 घंटे बाद 4 वोटों से इनको हरा दिया गया। और फिर तीसरा रिजल्ट वो आया जो लड़के आपको रिकाउंटिंग करानी पड़ी, और उस रिकाउंटिंग के बाद दोबारा से मेहदी साहब इलेक्शन जीत गए। तो जो खान साहब का जो 20 वोटों से जीत गया, जो खान साहब का विजन है कि हमने इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन लेकर आनी है, वो विजन इसी मसले के लिए है कि इस मसले के तहत पाकिस्तान की 50 सीटें जो कि इस मसले के अंदर फंसी होती हैं, क्योंकि वहाँ पर वोट का फैसला होता है 5% वोटों से, और ये हल्का उसमें शामिल है। हम इस मसले में रह चुके हैं जहाँ पर 45,000 वोट लेकर 200 वोटों में फैसला हो रहा था, और उस पर फिर स्टेज के ऊपर 5 साल गुजार लिए यहाँ पर जो उम्मीदवार थे मुस्लिम लीग के। इस मसले का हल करना ज़रूरी है अगर हमने शफाफियत, इलेक्शन की शफाफियत चाहते हैं, और इस मुल्क में अगर जमहूरियत को आगे लेके जाना चाहते हैं। इसलिए हम खान साहब के विजन की मुताबिक भी मैं समझता हूँ कि आपकी जो जद्दोजहद है, जो स्ट्रगल है, वो इस चीज़ को उसने पूरे पाकिस्तान में इस चीज़ को बता दिया कि ये खान साहब की स्ट्रगल ठीक है, और जब और अगर ये इंशाल्लाह वोटिंग मशीन आ गई हमारे पास, तो फिर ये मसला ख़त्म हो जाएगा हमेशा कि आप 4-4 दिन रिकाउंटिंग, पर्चियाँ थप्पे, ये सारा 2 नंबर काम है। इसलिए इससे हमने निजात हासिल करनी है। आपको बहुत मुबारकबाद, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आप इंशाल्लाह इस इलाके की बेहतरीन नुमाइंदगी, ऐसी नुमाइंदगी होगी जिससे कि इंशाल्लाह वो जो एक काली रात गुजरी है सब्जेक्ट के ऊपर, यहाँ पर कोई काम नहीं होता था, लोग समझते थे कि हमने वोट खरीद लिए तो अब हम आराम से 4 साल बैठेंगे। इसलिए अब आपने खिदमत करनी है लोगों की, और इंशाल्लाह हम आपका मिल के खिदमत करेंगे। बड़ी मेहरबानी।